गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आएगी, जिसके बाद यहां से अन्य स्थानों में वितरित की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि शुरुआत में 5 लाख वैक्सीन मध्य प्रदेश आ रही हैं। ये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर आएंगी। वैक्सीन इन स्थानों से बाकी जिलों में वितरित की जाएंगी। नरोत्तम मिश्रा ने सभी से वैक्सीन को लेकर भ्रम न फैलाने की अपील की। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री के जी के द्वारा मुख्यमंत्रियों से सभी से विस्तार से और सार गर्भित चर्चा भी की गई। ये 3 फेज में इस टीकाकरण को रखा गया है। 3 ग्रुप भारत सरकार ने ही बना के दिए, हेल्थ केयर ग्रुप, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ऊपर या गंभीर किस्म के रोगी। ये 3 ग्रुप हैं। ये क्रम रहेगा इसका, प्रदेश कोई भी इसे क्रय नहीं करेगा। भारत सरकार के द्वारा निशुल्क में ये वैक्सीन पूरे यहाँ दी जा रही है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। हमारे पास में 4.2 खुराक, 4 करोड़ से अधिक खुराक स्टोर करने का है हमारा। वैक्सीन हमारे यहाँ कल सुबह आ जाएगी। ये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर 4 स्थानों पर मिलेगी, जहां से जिलों के अंदर ही हम 24 घंटे के अंदर सभी जिलों के अंदर और जल्दी हम उसे पहुंचा देंगे। सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी तीसरे चरण का जब आम जन का अभियान होगा तब टीकाकरण की ओर जाएंगे, क्योंकि सभी की इच्छा ये है कि हमारी जनता को, गरीब को पहले लगे। ये आपके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिससे कि कोई भ्रम और रहे नहीं। ये एक बात और आप सबके द्वारा कहना चाहता हूं, ये जो पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज इसका 28 दिन बाद लगता है, और इसलिए कभी जैसे हम चेचक का टीका लगवाते हैं, माता का टीका लगवाते हैं या अन्य कोई वैक्सीन लगती है तो कोई चकत्ता या कुछ वैसा आ जाता है, तो उससे भी कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप होने में उसके बाद 14 दिन लगते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का भ्रम फैले, वो हम दूर करना चाहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।